प्रथम भारतीय हिसाब से इन्स्टाग्रामे 200 मिलियन फॉलोअर्स अर्जन करल के विराट कोहली, अक्षय कुमार, एम एस धोनी ना कि प्रियंका चोपड़ा। तो हेलो भिवर्स, तुम्हारा स्वागत जाना प्रो स्ट्री चैनल करेंट अफेयर सम्बन्धित एक नतून भिडियोते। तो प्रतिदिन सकाल 6টার समय करेंट अफेयर सम्बन्धित डेली करेंट अफेयर सम्बन्धित भिडियो तुम्हारे अपलोड कर देवा है प्रो स्ट्री चैने। तो तुम्हारे प्रो स्टडी चैने प्रतिदिन करेंट अफेयर सम्बन्धित भिडियो पे जाए। तुम्हारा जो चाकरी जो रकम चाकरी प्रस्तुति नहीं चाओ अवश्य तुम्हारा चैनल के सबसक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर दे। और जरा आगे के सबसक्राइब कर रखे तरह अनेक अनेक धन्यवाद। तो चलो देरी ना आजकल भिडियो शुरू करा जा। तो आगे बोलते चाहिए भिडियो तुम्हारा सम्पूर्ण देखो और भिडियो भलो लगले अवश्य भिडियो की एक लाइक दे बंधु के कमेंट कर एगिए नहीं जो सहाज्य कर चैनल के। तो अवश्य तुम्हारा भिडियो जो भलो लगे सम्पूर्ण देखार पर अवश्य भिडियो की एक लाइक दे। तो चलो भिडियो आ देरी ना भिडियो शुरू करा जा। तो तुम्हारा देखते पाच प्रथम प्रश्न अन्सार हो जाए। तो प्रथम प्रश्न अन्सार हो जाए विराट कोहली। विराट कोहली चार 200 मिलियन इन्स्टाग्रामे 200 मिलियन फॉलोअर्स कमप्लीट कर प्रथम भारतीय हिसाब से इन्स्टाग्रामे 200 मिलियन फॉलोअर्स कमप्लीट कर। प्रश्न देखने हमें तरह प्रश्न बोला सम्प्रति बेंच वीगल एप सम्प्रति बेंच वीगल एप लॉन्च करलो कौन राज्य सरकार? उड़ीसा, गोवा, अन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक। सठिक उत्तर देखे नब सठिक उत्तर हो जाए गोवा। गोवा हे सठिक उत्तर। मुख्यमंत्री सेखानकार मुख्यमंत्री हे प्रमोद सावंत। तारपर राजधानी गोवार राजधानी हे पानाजी। तो परवर्ती प्रश्न दिखे बढ़ा कि परवर्ती प्रश्न बोला कौन धरण क्रिकेट थे अवसर निलें भारतीय महिला क्रिकेटर मिथाली राज? तो ए नम्बर अपशने रही है देशियों क्रिकेट, बी नम्बर अपशने रही है आंतर्जातिक क्रिकेट और सी नम्बर अपशने रही है उभय और डी नम्बर रही है कोई नई। तो सठिक उत्तर हमें देखे नब ए सठिक उत्तर हो जाए तुम्हारे आंतर्जातिक क्रिकेट अवसर निलें भारतीय महिला क्रिकेटर मिथाली राज। तो परवर्ती प्रश्न दिखे हमें एगे जाए चार नम्बर प्रश्न जी बला कनिष्ठतम कबाडी खेलोड़ हिसेबे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 अंश निल के? तो अपशनगुली एबार देखनी अपशनगुली बला रही है बंदिता शर्मा, बी नम्बर हे काजल सागर, सी नम्बर हे इतु मंडल और डी नम्बर हे सिमरन शर्मा। तो अवश्य तुम्हारा चैनल के सबसक्राइब कर रखो यकम रिलेटेड प्रश्न उत्तर पावर। तो चलो ये प्रश्न उत्तर देखी। तो प्रश्न उत्तर हो जाए इतु मंडल मैंने सी नम्बर अपशन की सठिक सठिक। तो परवर्ती प्रश्न दिखे हमें जाए परवर्ती प्रश्न बला सम्प्रति भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट 8.80% बाड़िए कत करल? सरि बंधुरा 4.40 रही है ये बांगलाते रही है 4.40% कत करल? 4.50% ना कि 4.70% ना कि 4.81% ना कि 4.90%? तो अवश्य तुम्हारा एक रकम क्वेश्चन आंसर सम्बन्धित अपडेट पावर चैनल के सबसक्राइब अवश्य कर। तो चलो उत्तर टीबा देखें उत्तर टी जाए तो 4.90% मैंने डी नम्बर अपशन की सठिक डी नम्बर अपशन की सठिक। तो हमें अवश्य यूल खाते नोट कर जैसे तुम्हारा परवर्ती भूले ना जो अवश्य तुम्हारा परवर्ती मे रखार जो अवश्य खाए नोट कर यूली और खाए जरा नोट कर अवश्य दोबार के तीन बार देखो जैसे तुम्हारा मेरे बस जाए क्वेश्चन अन्सारगुली। तो एर सम्बन्धित किस नोट्स देखें रिजार्व बैंक हेडकोआर्टर मुम्बई रही है रिजार्व बैंक हेडकोआर्टर मुम्बई रही है प्रतिष्ठा साल हे 1935 साल 1 अप्रिल गवर्नर हे शक्तिकान्त दास। रिजार्व बैंक गवर्नर हे शक्तिकान्त दास एर आगे करेंट अफेयर्स भिडियोते ये देवा रही है गवर्नर रिजार्व आरबीआई बैंक आरबीआई सम्बन्धित एक प्रश्न छो से प्रश्न ही आलोचना कर प्रतिष्ठा साल 1935 साल एर 1 अप्रिल हेडकोआर्टर मुम्बई रही है और गवर्नर हे शक्तिकान्त दास। नोट्स एर आगे भिडियो एर आगे करंट अफेयर सम्बन्धित भिडियो आलोचना कर अवश्य तुम्हारा प्रति नोट कर रखो मन रखे जैसे परवर्ती अन्सार करते अवश्य तुम्हारा एगुली सम्बन्धित प्रति सप्ताह एक क्विज टेस्ट है। तो अवश्य क्विज टेस्टे भाग नेवार जन्य तुम्हारा ये चैनल के सबसक्राइब कर रखे जाते तुम्हारा क्विज टेस्ट भाग नीते पर निजे दक्षता प्रमाण करते। तो परवर्ती प्रश्न दिखे हमें एगे जाए परवर्ती प्रश्न बोला मैं 6 नम्बर प्रश्न बोला फोर्थ फूड सेफ्टी इंडेक्स ए बृहत राज्य विभागे शीर्ष स्थान रही है कौन राज्य? तमिलनाडु, ए नम्बर तमिलनाडु, बी नम्बर गुजरात, सी नम्बर हो उत्तर प्रदेश, डी नम्बर महाराष्ट्र। तो चलो सठिक उत्तर हमें देखें सठिक उत्तर हो जाए तमिलनाडु मैंने ए नम्बर अपशन की सठिक ए नम्बर अपशन की सठिक। एबार किछु नोट्स आछे सेगुलो देखे नि क्षुद्र राज्य विभागे शीर्ष स्थान रही है गोवा। क्षुद्र राज्य विभागे शीर्ष स्थान रही है गोवा। केंद्र शासित अंचल विभागे शीर्ष स्थान रही है जम्मू काश्मीर। तो परवर्ती प्रश्न दिखे एबार आमरा एगिये जाए परवर्ती प्रश्न बला हयेछे महाकाशे सेंजु 14 नामे रकेट लंच करलो कौन देश? नाम शुने बोझा जाच्छे कौन देश लंच करे होते पारे। ए नम्बर हे चीन, बी नम्बर हे रासिया, सी नम्बर हे इजराइल, डी नम्बर हे जापान। तो सठिक उत्तर अवश्य आमरा देखे नेब एबार। तो सठिक उत्तर हो जाए तुम्हारे चीन। नाम शुने बोझा छिलो सेंजु 14 नाम शुने तुम्हारा बोले दिते पारबे कौन देशटी एरकम नाम दिए थाके
তো রাজধানী হচ্ছে বেজিং, চীনের রাজধানী হচ্ছে বেজিং, মুদ্রার নাম হচ্ছে রেন রেনমিনবি, রাষ্ট্রপতি হচ্ছে সি জিনপিং, সবাই তো তোমরা জানোই, আশা করি সবাই জানো সি জিনপিং রাষ্ট্রপতি চীনের। তো পরবর্তী প্রশ্নের দিকে আমরা এগিয়ে যাই। পরবর্তী প্রশ্নে 8 নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে মি অ্যান্ড মাই মোহিনী অ্যাটম শিরোনামে আত্মজীবনী ও জীবনী গ্রন্থ লিখলেন কোন নৃত্যশিল্পী। তো এ নম্বর অপশানে রয়েছে স্মিতা রাজন, তারপর বি নম্বর রয়েছে কনক রেলে, সি নম্বর অপশানে রয়েছে সুনন্দা নায়ার, ডি নম্বর অপশানে রয়েছে পল্লবী কৃষ্ণন। চলো সঠিক উত্তরটি আমরা দেখি। সঠিক উত্তরটি হয়ে যাচ্ছে তোমাদের কনক রেলে, বি নম্বর অপশানটি তোমাদের সঠিক। নোটস, একটি নোটস দেওয়া রয়েছে মোহিনী অট্টম কেরালার একটি নৃত্যশিল্পী। তো পরবর্তী প্রশ্নের দিকে এবার আমরা এগিয়ে। পরবর্তী প্রশ্নে বলা হয়েছে ক্লাইমেট অ্যাকশন এর উপর সহযোগিতা শক্তিশালী করতে কোন দেশের সাথে এমওইউ স্বাক্ষর করলো ভারত। তো এই কিছুদিন এর মধ্যে এই স্বাক্ষরিত, এই মাসে, এর আগের মাসটিতেই এই স্বাক্ষর করা হয় ক্লাইমেট চেঞ্জের উপর। তো অপশানটি আমরা দেখিনি, কানাডা, ফিলিপিনস, স্পেন নাকি ডেনমার্ক। তো যদি তোমাদের মনে থাকে এই প্রশ্নটি অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানিয়ে দেবে। তো চলো আমরা অ্যান্সারটি দেখি। অ্যান্সারটি হয়ে গেছে কানাডা। তো পরবর্তী প্রশ্নের দিকে আমরা এগিয়ে। পরবর্তী প্রশ্ন বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতি কোথায় সেন্ট কবির একাডেমি অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার এর উদ্বোধন করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এ নম্বর হচ্ছে ঝাড়খণ্ড, বি নম্বর হচ্ছে মধ্যপ্রদেশ, সি নম্বর হচ্ছে সিকিম, ডি নম্বর হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ। সঠিক উত্তরটি হয়ে যাচ্ছে উত্তরপ্রদেশ হয়ে যাচ্ছে সঠিক উত্তর। তো এই ছিল আজকের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সম্পর্কিত ভিডিও। তো এরকমই ভিডিও প্রতিদিন পাওয়ার জন্য তোমরা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে। প্রতিদিন ছটা এএমএ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সম্পর্কিত ভিডিও আপলোড করে দেওয়া হয় তোমাদের জন্য। তো তোমরা যদি কোনো চাকরির পরীক্ষার প্রিপারেশন নিতে চাও তো অবশ্যই তোমরা এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশন অন করে রাখবে এবং বন্ধুদেরকে অবশ্যই শেয়ার করবে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই ভিডিওটিকে একটি লাইক দেবে। তো ধন্যবাদ এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য।